नमस्कार, मेरा नाम सुमन सहाय है। हम लोग कई दफ़े क्लाइमेट चेंज पे, जलवायु परिवर्तन पे चर्चा कर चुके हैं। आज हम आपके साथ एक क्लाइमेट चेंज से ही जुड़ी हुई बात करना चाहते हैं, और वो एक फिल्म से शुरू होती है। दो साल पहले, तीन साल पहले ग्रीनलैंड में ग्रीनलैंड के डायरेक्टर्स ने एक फिल्म बनाई थी जो नॉर्थ पोल की, जो आर्कटिक, हमारे यहाँ पृथ्वी पे दो है ना, आर्कटिक ऊपर है, एंटार्कटिक नीचे है, जहाँ बर्फ जमी रहती है, परमाफ्रॉस्ट रहता है। तो ऊपर आर्कटिक सर्कल में, जो कि नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल के इर्द गिर्द है, वहाँ की जो बर्फ है वो अब पिघलने लगी है। मतलब हमारी ग्लोबल वार्मिंग इस हद तक पहुंच गई है, क्लाइमेट चेंज का असर इस हद तक पहुंच गया है कि जो सदियों से बर्फ जमी हुई थी आर्कटिक सर्कल में, वो अब पिघलने लगी है। ये खतरनाक चीज़ है। मतलब हमारी पृथ्वी का जो संतुलन है वो किस बुनियादी तौर पे बिगड़ने लगा है, ये इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो मतलब हजारों साल से जो बर्फ़ पड़ी है, और जिन बर्फ की परतों से हमारा क्लाइमेट भी कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है, वो पिघलने लगी है। इतनी पृथ्वी जो है इतनी गर्म होने लगी है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। वहाँ की एक फिल्म बनी जिसमें वो दिखाते हैं। अब वहाँ जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड जो देश है, जो बहुत बड़ा नॉर्थ पोल के तरफ पास ही एक देश है, वहाँ के जो आदिवासी हैं कुछ, उनकी भाषा में उस नॉर्थ पोल के उस आर्कटिक सर्कल के आइस को, के बर्फ को उटुक्वाक कहते हैं। वो अपनी भाषा में उसको उटुक्वाक कहते हैं। तो इस फिल्म का नाम है उटुक्वाक। कभी आपको मौका मिले, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, देखिएगा ज़रूर। आर्कटिक सर्कल की बर्फ़ जो पिघलने लगी है, तो हमारी दुनिया में तो लालच की कोई कमी है नहीं। तो दौड़ दौड़ के देशों के, खासतौर से पश्चिमी देशों के लोग वहाँ पे, अब जो वो बर्फ़ है उसके पिघलने से जो जगह खुलती जा रही है, उसके ऊपर अपना स्वामित्व, अपनी ओनरशिप जताने के लिए वहाँ भीड़ लगी हुई है। तो वो एक अलग बात है। अब ये जो आर्कटिक सर्कल की बर्फ़ है, उटुक्वाक, जो उनकी भाषा में जो इस बर्फ को उटुक्वाक कहते हैं, उटुक्वाक के माने जो बर्फ कभी पिघलता नहीं है, जो हमेशा हमेशा का बर्फ है, तो और वो बर्फ अब पिघलने लगा है, तो उनके लिए एक बहुत सदमा है ये। लेकिन हम लोग को सोचना चाहिए, और वैज्ञानिक इसको सोच भी रहे हैं और घबरा घबरा के देख रहे हैं कि ये कहाँ तक बात जाएगी। आप इस तरह से सोचिए कि जो बर्फ हजारों सालों से वहाँ पे पड़ी हुई है, जब से पृथ्वी बनी और पृथ्वी ने ये वाला रूप लिया, तब से ये बर्फ वहाँ पड़ी है, वो बर्फ अब खुल रही है। तो उस बर्फ में कौन से ऐसे रहस्य हजारों साल से दबे पड़े हैं, इस पे हमको चिंता करनी चाहिए। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से ये बर्फ जो खुल रही है, उसमें से वो रहस्य भी निकल रहे हैं। और वो रहस्य क्या हो सकते हैं? वो रहस्य, वो खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती हैं, और उसके आसार अब दिखने लगे हैं। साइबेरिया में, जहाँ पे थोड़ी बर्फ पिघलने लगी थी, वहाँ पे हुआ क्या कि एंथ्रेक्स एक बीमारी है, एंथ्रेक्स एक बीमारी है जिसपे काफ़ी हद तक स्मॉल पॉक्स की तरह हम लोगों ने नियंत्रण पा लिया है। उसको बीमारी है लेकिन नहीं है, कि होती नहीं है, और उसकी दवाएं भी हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, हमारे पास अब जानकारी भी है। पर ये बहुत पहले कभी एंथ्रेक्स रहा होगा वहाँ पे, वो बर्फ़ में उसके जो कीटाणु थे वो जम गए, रह गए, हट गए, और उनका कोई पता नहीं है। साइबेरिया में एंथ्रेक्स उसके बाद कभी ना दिखा ना कुछ, किसी ने कुछ सुना। अब ये जब उटुक्वा पिघल रहा है, वहाँ की जो ये बर्फ की परत पिघलने लगी है, तो एकदम से वहाँ के लोगों ने देखा
कि उनके यहाँ वो जो रेनडियर होते हैं, वो हिरन की तरह जो वहाँ नॉर्थ पोल के रेनडियर होते हैं, हजारों रेनडियर बीमार पड़ पड़ के मरते गए। और एकदम से ये वैसा हुआ तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने, वहाँ के डॉक्टर ने इन रेनडियर्स की फिर ऑटोप्सी की और जांच की कि ये आखिर मर क्यों रहा है एकदम से, जैसे कि एक एपिडेमिक सा हो गया हो। उसमें से निकला कि वो एंथ्रैक्स से मर रहे हैं। और उसी दौरान एक 12 साल के बच्चे की भी मौत हो गई एंथ्रैक्स से। तो इससे बहुत घबराहट पैदा हुई कि वहाँ साइबेरिया में कभी ना एंथ्रैक्स जाना ना सुना, इतने सालों से कहाँ से यह एंथ्रैक्स आ गया। तब फिर निकला कि जहाँ बर्फ पिघल रही थी उसके इर्द गिर्द वो कब्रिस्तान भी थे, जहाँ पे कि इतने साल पहले वो लोग दफनाए गए थे जिनकी मौत एंथ्रैक्स से रही हुई होगी। और वो क्योंकि एंथ्रैक्स या कई भी कई बहुत बहुत से कीटाणु होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, इस तरह की चीजें, ये बर्फ में अगर दब जाएं तो ये हजारों साल तक इनका कुछ नहीं होता है, उसमें से जब निकलेंगे तो फिर वो जिंदा होके निकल के फिर उसी तरह से बीमारी के लिए तैयार होते हैं। तो ये बड़ी चिंताजनक चीज है। क्लाइमेट चेंज हम देखते हैं कि उससे जलवायु परिवर्तन से नदियों में बाढ़ आने लगी है और सूखा पड़ने लगा है, लेकिन एक ये स्वास्थ्य का पहलू जो उठ के आया है कि अगर बर्फ पिघलेगी और जो पिघलने लगी है तो किन किन तरह की बीमारियों का हमको सामना करना पड़ सकता है। और वहां के वैज्ञानिकों ने एक और चिंता जताई कि जिस तरह से साइबेरिया की बर्फ अब पिघलने लगी है, वो उस तरह के लोग जो उस वक्त स्मॉल पॉक्स से और एंथ्रैक्स जैसी बीमारियों से और स्पेनिश फ्लू जो कि 1914-1918 में एक बहुत ही भयंकर रूप लेके एक वायरस, जैसे कि आज का कोरोना है, उससे मिलता जुलता एक वायरस का अटैक हुआ था जिसमें 50 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। मतलब 1-2 मिलियन नहीं, 50 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। तो ये जो डर है कि जो चीजों को हम कंट्रोल कर चुके थे, स्मॉल पॉक्स तो आज दुनिया से गायब है, अब स्मॉल पॉक्स की चिंता नहीं है, वैक्सीनेशंस होते हैं और ये वैक्सीन क्योंकि बहुत पुख्ता तरीके से बनाई गई थी, उसमें समय लगा था, वो वैक्सीन जो है उपलब्ध है और स्मॉल पॉक्स खत्म है। लेकिन अगर ये होगा तो एंथ्रैक्स भी दोबारा खड़ा हो सकता है, स्मॉल पॉक्स भी दोबारा खड़ा हो सकता है। और वैज्ञानिकों ने वहां पे फिर जांच करनी शुरू की, 30, 40, 50 मीटर बर्फ के अंदर तक जाके, क्योंकि वो बर्फ है तो बहुत बहुत, कई लोग तो कहते हैं कि मीलों मोटी तय है ये बर्फ की वहां नॉर्थ पोल पे। तो वैज्ञानिक लोग 30, 40, 50, 100 मीटर तक नीचे जा रहे हैं, मतलब खोद रहे हैं वहां के बर्फ के सैंपल्स को निकालने के लिए, देखने के लिए कि वहां पे जकड़ा हुआ, उतने उतने नीचे जो बर्फ पड़ी हुई है उसमें जकड़े हुए क्या ऐसे कीटाणु वायरस वगैरह हैं जो कि अभी भी जिंदा हो सकते हैं। और डर के मारे उसमें से ये निकला कि हाँ है, कम से कम 2-3 वायरस उसमें से ऐसे निकले जो कि जब बर्फ में से निकाल के और उनको एक सुरक्षित लैबोरेटरी में ले जाके और टेस्ट किया गया तो ये पता लगा कि इतने मीटर नीचे जो बर्फ पड़ी है, यानी कब की पड़ी है, उसमें जो वायरस पड़े हुए हैं वो अभी भी अगर खुलेंगे तो जिंदा है और जिंदा होके बीमारी फैलाने का काम कर सकते हैं। हम तो कोविड से अभी निपटे भी नहीं हैं। और कोविड को अगर आप देखिए, कोविड की जो सबसे प्रचलित थियोरी है वो ये है कि ये चमगादड़ में था, ये वायरस जो है सार्स कोवी टू या कोरोना जिस नाम से ये अब जाना जाता है, ये वायरस चमगादड़ में पाया जाता था, ये इंसान इंसान में नहीं पाया जाता था और ये हम लोगों की बीमारी थी भी नहीं और इसको कभी किसी ने देखा नहीं था। लेकिन ये किसी वक्त चमगादड़ से
आके और उसने ऐसा रूप बदला, उसकी उसकी जो लोकल कंडीशंस थी वो इस तरह से परिवर्तित हुई कि जो वायरस सिर्फ चमगुदड़ में था वो अब इंसान को बीमार कर सकता। तो ये तो अभी हम अभी क्या, अभी कोरोना गया थोड़ी है, कोविड गया थोड़ी है, ये तो हम इस वक्त भुगत रहे हैं। तो हम ये जानते हैं कि वायरस जो पुराना था वो जिंदा हो सकता है, जो जानवरों में था, अब जैसे वो जो रेंडियर मरे थे एंथ्रेक्स से, जो उनको पकड़ सकता था, वो आज हमने देखा है कि कोविड जैसी जो बीमारी है, कहाँ चमगादड़ कहाँ इंसान, लेकिन वो चमगादड़ से एक तरह से कूद के किस माध्यम से उसके लोकल क्लाइमेट जो बदला वो कूद के और हमको बीमार करती, और आप देख रहे हैं क्या तबाही मचाई है कोविड ने। तो जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज के जो परिणाम है, उनके जो असर है, वो अब बहुत मुश्किल है कहना कि कहाँ जाके टिकेंगे। और ये जो खतरनाक चीज हम इस उटुक्वाक से देख रहे हैं, इस आर्कटिक सर्कल की बर्फ से पिघलते हुए जो देख रहे हैं, इससे एक चीज और खड़ी होती है, और ये है वाकई हजारों साल पहले की बात, जब इंसान ने ये वाला रूप, होमोसेपियंस कहते हैं हमको, ये वाला जो इंसान का रूप है, इसको एवोल्यूशन में पहले हम बंदर थे या हम चिंपैंजी थे या जो भी थे, उससे फिर हमने चार पैरों पे चलने से फिर हम दो पैरों पे खड़े हो गए, और उससे जब धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ है तो आज का रूप हमने धारण किया है, कई कई हजार साल, मतलब लाख साल लगे हैं। तो जो नियंडरथल था, होमोसेपियन नहीं, होमो नियंडरथल जो था, जो कि पूरी तरह से खड़ा नहीं हो पाया था, दो पैर पे तो चलने लगा था, चार पैर का नहीं था वो, दो पैर पे चलने लगा था, और उसका रूप काफी कुछ हमसे मिलने लगा था, लेकिन हम में और उसमें काफी कुछ चिंपैंजी और एप की भी शक्लें थी, उनमें वायरस और फंगस की बहुत बीमारियां पाई गई हैं। ये जो उनके जो कहीं कहीं पे नियंडरथल्स के जो आर्कियोलॉजिकल वो मिले हैं, वो बीमारियां उनमें थी। खुदा ना खास्ता अगर ये बर्फ पिघल पिघल के उतनी हद तक इस तरह की जो पुरानी है, प्राचीन होमोसेपियंस की जो जो स्पीशीज थी, उनमें जो बीमारियां थी, अगर वो निकलती हैं, तो उनके उनसे निपटने के लिए तो हमारे पास कुछ कोई तरीका भी नहीं है। और एक और खतरा है इस बर्फ के पिघलने से, और वो है कि वो ऐसी उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इत्यादि, ये जो बीमार करने वाली जो एजेंसीज होती हैं, कुछ ऐसी हो सकती हैं जो कि हमने कभी देखी ना हो, जिस चीज को आपने देखा नहीं है उससे निपटने के लिए आपके पास कोई तरीका नहीं है, ना आपके पास कोई दवा है, ना दारू है, ना आपके पास कोई तरीका है कि उससे बचें कैसे, और जब हो जाए इस तरह की बीमारी तो उसको ठीक कैसे करें। तो सबसे बड़ा खतरा तो उन चीजों से होता है जिसको कि हमने अभी तक देखा नहीं। एक एक तरीके से अगर आप कोविड को ही देख लें, कोविड क्यों इतने लाखों लोगों को ले गया, क्योंकि हम इस बीमारी को जानते नहीं थे, ये तो चमगुदड़ों की बीमारी थी, लेकिन हमारे सामने जब ये आई, ना हमारे पास इसकी कोई दवा थी, ना हमको मालूम था कि इससे बचना कैसे है, कोई कहा कहे हवा में है, कोई क्या है पानी में है, कोई कहे छुओ मत, कोई कहे उससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमें कुछ नहीं मालूम था। तो जो अनजान चीजें एकदम से खड़ी हो जाती हैं, और ऐसी अनजान चीजें इन बर्फ की तहों में जाने क्या क्या दबा पड़ा है, कौन कौन सी इस तरह के रहस्य हैं जो इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। और आज हम इस क्लाइमेट चेंज के इस पहलू पे आपके साथ चर्चा करना चाह रहे थे, क्योंकि इस तरह के खतरे भी बहुत जल्दी उभर के आ सकते हैं, और कोविड को अगर हम देखें तो हमको आस होना चाहिए कि किस तरह से ये जानलेवा हो सकती है, हमारे पास फिर उससे निपटने के लिए ना कोई तरीका है, ना बचने का कोई तरीका है। तो अगर हम जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं बेचारे एंटोनियो गुटेरेस, बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, और वो इतनी विनती करते हैं दुनिया के जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं, जो इंडस्ट्री के हेड्स हैं, कि भैया अगर इसको रोकोगे नहीं तो विनाश आगे दिख रहा है इस पृथ्वी पे, जो आज की तारीख में लोग आदमी जानवर पेड़ पौधे जो भी है वो बचेगा नहीं। तो इतनी बात रख के हम आपसे
अपनी बात आज समाप्त करते हैं। मौका मिले तो उटुपाक जरूर देखिएगा और उसके साथ जो जुड़ी हुई चीजें हैं उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करिए। नमस्कार।